Hello, my dear students. I am your math teacher and welcome to Learn Maths with Nisha Singh Ratho. If you are new to my channel, please subscribe my channel and also click on the bell icon to get all the post notifications. In this video, we will learn how to convert meter into centimeter. You know very well the standard unit of measurement of length is meter. एंड एम इस स्टैंडस फॉर मीटर जो शॉर्ट फॉर्म है मीटर का वो क्या है एम है किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हाइट और थिकनेस अगर आपको फाइन करनी अगर आपको मेजर करनी तो किस में कर सकते हो आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हो यानी मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही यूनिक यूज़ की जाती है लेंथ को मेजर करने के लिए ओके एंड वी नो वेरी वेल वन मीटर इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर आप सभी को पता है कि वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं द पीस ऑफ अ क्लॉथ कैन बी मेजर्ड इन मीटर द हाइट ऑफ अ फोर इयर्स ओल्ड बॉय इज नियरली वन मीटर द वे ऑफ फोर फिंगर इज नियरली वन सेंटीमीटर रूलर इन योर जोमेट्री बॉक्स शोज द मेजरमेंट इन सेंटीमीटर तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि जो मेजरमेंट की जो यूनिट है वो क्या होती है सेंटीमीटर और मीटर नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू टास्क फोर द क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फोलोइंग इंटू सेंटीमीटर इसमें मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना सीखेंगे तो जब भी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं हंड्रेड से सो क्वेश्चन इज नाइनटीन मीटर वी नो वेरी वेल वन मीटर इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर सो नाइनटीन मीटर इक्वल टू नाइनटीन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सेंटीमीटर एंड आंसर इज 1900 सेंटीमीटर ठीक है यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ अगर कोई भी नंबर है ठीक है उसमें अगर कोई नंबर में अगर आपको डेसिमल नंबर नहीं दे रखा है तो आपको आगे क्या लगा देना है मल्टीप्लाई में अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आगे टू जीरो लगा देना जैसे 44 मीटर है तो 44 मीटर को मल्टीप्लाई किया 100 यानी 4400 मैंने 44 के आगे क्या लगा दिया टू जीरो लगा दिया क्योंकि इसमें डेसिमल दे ही नहीं रखा है तो सिंपल हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं

सो so 132 मीटर इक्वल टू 132 100 जैसा कि ट्रिक में बताया था आगे टू जीरो लगा दो नंबर के तो 13200 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है कि मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 100 करना है ओके क्वेश्चन नंबर 5 218 मीटर वन मीटर इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर वन मीटर हंड्रेड एटीन मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे टू हंड्रेड एटीन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड एंड द आंसर इज ट्वेंटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड सेंटीमीटर ओके एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स वन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स मीटर वन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स मीटर में क्या करेंगे 176 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए 176 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर से एंड द आंसर इज 17,600 सेंटीमीटर ओके okay, तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन थे जिसे मैंने समझाया है मीटर को किस तरीके से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए ज़रूर दूंगी डू दिस वर्क इन योर होमवर्क कॉपी क्वेश्चन नंबर सेवन टू ट्वेल्व एंड यू कैन टेक स्क्रीन शॉट और अगर आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आई हैव डन माई वर्क ठीक है क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है थैंक यू सो मच इफ यू अंडरस्टूड वॉट एवर आई टोट इन दिस वीडियो Please do like, comment, and share this video with your friends. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.